यूपी में जिला पंचायत उपचुनाव के दौरान हुई फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मेरठ के जिलाधिकारी ने बताया कि चुनाव के दौरान एक उम्मीदवार और उसके समर्थकों ने हवा में फायरिंग की। इस दौरान अमित नाम के एक शख्स को गोली लग गई और उसकी मौत हो गई। इस घटना के बारे में मेरठ के SSP अजय साहनी ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। मृतक के परिजनों के बयान के आधार पर अब पुलिस कार्रवाई करेगी। फिलहाल गांव में कोई तनाव नहीं है, वहां पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। उपचुनाव में फायरिंग का मामला सामने आया है, क्या किसी की मौत हो गई है, हत्या का मामला है, किस पर आरोप है? पुलिस एक प्रकरण अभी आया है, एक कैंडिडेट वहां पर विजय धामा था, वो चुनाव समाप्त होने के बाद अपने समर्थकों के साथ जा रहा था और उसमें कहीं उसने बंदूक निकाली और उसका एक समर्थक था, उसको उससे गोली लगी और जो जिसको गोली लगी है उसका नाम अमित है, उसको उसकी हालत थोड़ी क्रिटिकल है, उसको यहाँ हॉस्पिटल में भी एडमिट कराया गया है और बाकी हमारी पुलिस टीम मौके पर भी मौजूद है और हॉस्पिटल में भी जो घायल है उसके परिजन जो भी तहरीर दे रहे हैं उस पर मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। घटना के बाद आसपास के इलाकों में रोष का माहौल है। हालत पर नियंत्रण रखने के लिए SP देहात समेत कई थानों की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है। गौरतलब है कि जिला पंचायत के वार्ड 34 में उपचुनाव चल रहा था, इस दौरान हवा में फायरिंग हुई और उससे युवक को गोली लग गई। आनन फानन में लोगों ने घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। इस घटना के बाद प्रत्याशी और उसके समर्थक वहां से भाग गए। लोगों ने अमित को अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया है, गांव के लोग और पुलिस आमने सामने आ गए। कहीं कहीं पथराव की घटना भी सामने आई है। हालत पर नियंत्रण करने के लिए इलाके में पुलिस की टीम लगा दी गई है।